जावेद, आपने अपने फैसले के बारे में सोच लिया ना? हॉस्टल अबान बहुत छोटा है, वो हमारे बगैर नहीं रह सकेगा। क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बहुत छोटा है वो, और हॉस्टल लाइफ। छोटा है, छोटा है, छोटा है, बस करो यार। तुम्हारी इस एटीट्यूड की वजह से ना उसने तुम्हें एक्सप्लॉइट किया, तुमने बिगाड़ दिया उसे। व्हाट? मैंने बिगाड़ दिया उसे? मतलब? हाँ, और नहीं तो क्या? मैंने बिगाड़े? पूरा दिन घर तुम उसके साथ रहती हो, मैं तो काम पे होता हूं। और क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा थोड़ी सख्ती करो, प्रेस हिम? व्हाट अबाउट द अदर टू? उनकी भी तो ट्रेनिंग मैंने की है ना, उसमें तो कभी मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिली। कभी नहीं कहा कि वाह वाह खदीजा, बहुत अच्छी तुमने तबीयत की है। कभी अप्रिशिएट नहीं किया? आई डोंट थिंक सो। दीजा, क्या कह रही हो तुम? बस ये अबान की बात आती है ना, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा गिर जाता है। उसके बारे में कोई सवाल भी नहीं कर सकता, सवाल उठाऊं तो ये होता है। सवाल कर सकते हैं आप, हमारा बच्चा है वो, और उसके फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हम लोग। बिगड़ गया है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसे अपने से दूर कर दें। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे लिए बहुत आसान है, है? उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। दीजा, ही इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। तुम्हारी कोई बात मानता है वो? मेरी तो कोई नहीं मानता। एक साल दूर रहेगा ना, ही लर्न द इंपॉर्टेंस, तुम्हारी और मेरी भी। थोड़ा डिसिप्लिन आएगा उसकी जिंदगी में, थोड़ा स्ट्रक्चर आएगा, थोड़ा पुश करेंगे वो। अच्छी जगह तुमने देखा हुआ यार, साल के बाद वापस ले आएंगे उसे। मां का दिल लेना, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिल बैठ रहा है। मेरा बच्चा, बहुत छोटा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे दिल पे क्या बीत रही है? मर्द हो ना, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। तुम भी दिल पे पत्थर रखो, उसकी बेहतरी के लिए। You have to be together in this, Deja. उसके भले के लिए। Yeah.